अपना प्रॉफिट बुक करा होगा उनको फायदा, जिन्होंने टॉप पर लिया एकदम करोना आया उनको नुकसान, जिन्होंने ऊपर बेचा फिर वेट किया नीचे खरीदा फिर उनको प्रॉफिट। लाइफ केयर की और इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसके ऊपर जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे साल तक ये शेयर ऐसे ही रहने वाला है, जनवरी में वीडियो बनाई थी उसके बाद चढ़ाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सर देखो हमने इन सब के काम समझ लिए हैं और जब हमें काम समझ में आ जाएंगे तो इनकी रखने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। शेयर हमेशा ऊपर जा रहा है। देखो सर मैं आपको फिर बता दूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप बदल जाते हो, देखो सर मैं तो बदलता हूँ आपको भी बदलना चाहिए, क्या मार्केट कभी तो बुलिश नहीं रहती, कभी ना कभी तो वो गिर भी जाती है, या कभी कभी आपने देखा कि मार्केट हमेशा बढ़ती जा रही है, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। सर शेयर अभी हाल ही में आपको बता दिया था और मैंने कहा था कि 5 शेयरों के बारे में मैं आपको संडे वाली वीडियो में बताऊँगा, तो मैं उन 5 शेयरों के बारे में आज आपको बताऊँगा जो मैंने लिए हैं। लो रख रहे हैं, आपको भी वही प्राइस दिख रहा है, मेरे मुझे भी वही प्राइस दिख रहा है, ये तो नहीं सर मुझे 20 रुपये दिख रहा है आपको 50 रुपये दिख रहा है, वो तो एक प्राइस के साथ ट्रेड कर रहा है ना, तो 300 गुना हो जाते हैं, हम देखते ही नहीं उसको, हमें सिर में दर्द करना ही नहीं, हमने तो अपने गुरु विजय गेडे साहब को मान रखा है। लोगे नहीं जब तक के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक ही दिशा में चलने वाला इंसान वो भी शेयर मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं। ये जिस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे, जैसे सर मैंने 10 शेयर जो कंपनियों के लिए थे, 5 शेयरों के बारे में मैंने अभी हाल ही में आपको बता दिया था और मैंने कहा था कि 5 शेयरों के बारे में मैं आपको संडे वाली वीडियो में बताऊँगा, तो मैं उन 5 शेयरों के बारे में आज आपको बताऊँगा जो मैंने लिए हैं, जिनका नाम है अडानी ग्रीन है, NHPC है, रेणुका सुगर है, सेल है, गेल है, ये 5 शेयर और मैंने 10 शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाया। आगे भी इसको हम निरंतर बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम सिप में काम करेंगे, यानी कि थोड़े थोड़े शेयरों को लेंगे और उसको ज़्यादा बिल्डअप कर देंगे और वो हमारी रणनीति होगी जो चुनाव आगे आने वाले हैं उसकी रणनीतियों को देखकर परख कर, क्योंकि सर मार्केट गिरे या बढ़े हमें अब उससे मतलब नहीं, हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग एक अपना इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना। देखो सर ये जो शेयर मैंने लिए हैं मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं ले रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से भी पूछते हैं सर आपके पास कौन कौन से शेयर हैं, मेरे पास और भी शेयर हैं लेकिन ये हाल ही के, ये मैंने आपको बताया था कि ये हाल ही में मैंने जो शेयर लिए हैं, तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो हम बनाएंगे जो आगे जाकर हमें अच्छा करेगा, इसके अंदर उतार चढ़ाव इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सर देखो हमने इन सब के काम समझ लिए हैं और जब हमें काम समझ में आ जाएंगे तो इनकी रखने की क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आज इन शेयरों के बारे में भी चर्चा रखेंगे कि क्यों लिए हैं, किस लिए लिए हैं, तो उस बारे में बात करेंगे और बात करेंगे विकास लाइफ केयर की और इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसके ऊपर जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे साल तक ये शेयर ऐसे ही रहने वाला है, जनवरी में वीडियो बनाई थी उसके बाद कई वीडियो बना चुका हूँ और अब नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो वो बातें भी सत्य हो गई, ये शेयर वहीं के वहीं हमें टहलता हुआ दिख रहा है, तो इसके बारे में भी एक हम सोचेंगे कि आगे जाकर इस कंपनी का हो क्या सकता है, तो एक चर्चा हमारी इसके ऊपर भी रहेगी। सर देखो सर कभी कभी क्या होता है कि किसी शेयरों में मैं कभी कभी आपको पॉजिटिव चीज़ें बता देता हूँ, कभी कभी कुछ शेयरों में निगेटिव चीज़ें बता देता हूँ, और कभी कभी जो हमारे लक्ष्य होते हैं हम उससे कुछ अलग चीज़ें कर लेते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, मैं तो करता ही हूँ, क्योंकि मार्केट कभी तो बुलिश नहीं रहती, कभी ना कभी तो वो गिर भी जाती है, या कभी कभी आपने देखा कि मार्केट हमेशा बढ़ती जा रही है, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, सर शेयर हमेशा ऊपर जा रहा है। देखो सर मैं आपको फिर बता दूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप बदल जाते हो, देखो सर मैं तो बदलता हूँ आपको भी बदलना चाहिए, क्या मार्केट आप शेयर को सिर्फ इस नज़रिए से देख रहे हैं सिर्फ बढ़ते जाएंगे और जो आपके शेयर हैं वो कई हज़ार गुना हो जाएंगे, तो लाजमी वो इस स्थिति में नहीं होंगे जो हम सोच रहे हैं, लाजमी अगर हमें पैसा समय समय पर अपना प्रॉफिट भी कमाना है, और मैंने उसके लिए आपको बताया कि हमें न्यूज़ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर न्यूज़ जो है किसी भी चीज़ का पासा पलट देती है, मैंने आपको न्यूज़ के ऊपर बहुत अध्ययन करके पहले बताया है, तो लोग जो मेरे से ऐसे सवाल करते हैं, आप पहले किसी शेयर के बारे में कुछ बता रहे थे, जैसे सर मैंने आपको अब बता दूं कि मैंने कई बार आपको BCG में पहले पॉजिटिव बताए हैं, फिर उसके बाद जैसे चीज़ें मुझे दिखी मैंने आपको निगेटिव बताना शुरू कर दिया है ना सर,
जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी शुरुआती तौर पर मैंने आपको बहुत अच्छी रणनीतियों के अनुसार बताया, उसके बाद जब ये काफ़ी ऊपर है तो वहाँ संभलना भी हमें है। देखो, जब तक के आप बदलोगे नहीं, जब तक के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ही दिशा में चलने वाला इंसान, वो भी शेयर मार्केट में, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जिस तरीके से हम मार्केट को देखते हैं, जो हम अध्ययन करते रहते हैं, सबके अध्ययन अलग अलग हैं, सबके अध्ययन फेल और सबके अध्ययन पास भी होते हैं, पर उस अध्ययन को जानकर टिके रहने वाली चीज़ों के साथ हमें अपनी एनालाइज को करना है कि यहाँ समय समय पर शेयरों में गिरावट भी हो जाएगी और समय समय पर शेयरों में उछाल भी होगा। तो इन दो परिस्थितियों को जानकर ही बदलना है। अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ, गिर गई मार्केट। जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा उनको फायदा, जिन्होंने टॉप पर लिया एकदम कोरोना आया उनको नुकसान, जिन्होंने ऊपर बेचा फिर वेट किया नीचे खरीदा फिर उनको प्रॉफिट, और मार्केट फिर उससे शेयर डबल हो चुके हैं। तो सर, अगर लॉन्ग टर्म का विषय है तो उसमें अलग रणनीति बनती है, उसके शेयर अलग होते हैं, अलग अकाउंट में रखने पड़ते हैं उसके। तो रणनीतियों का हिसाब है सर ये तो एक शेयर, अगर मान लो NHPC है, वो आपके लिए भी वही वैल्यू रख रहा है, मेरे लिए भी वही वैल्यू रख रहा है, आपको भी वही प्राइस दिख रहा है, मेरे मुझे भी वही प्राइस दिख रहा है। ये तो नहीं सर मुझे 20 रुपये दिख रहा है, आपको 50 रुपये दिख रहा है, वो तो एक प्राइस के साथ ट्रेड कर रहा है ना। तो वहाँ क्या स्थिति हमारी हो जाएगी कि हमें उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें दिखे जिसकी वजह से हमें उसके अंदर बहुत अच्छे उजाले दिखें, वो होती है अपनी साइकोलॉजी और कंपनी के बारे में विस्तार से जानना, और वही मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो इसलिए जो सवाल करते हैं, कल क्या कह रहे थे आज क्या कह रहे हैं, सर कल वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि मैं 5G लाऊंगा, अभी तक वोडाफोन आइडिया 5G लाया नहीं है। कल सरकार ने कहा था कि IDBI बैंक को हम प्राइवेट इस तिथियों में कर देंगे, अब उसकी रणनीतियां चेंज हो गई। कल मैंने आपके लिए IDBI बैंक में भी कल वीडियो बनाई है। तो जब कोई कुछ कहता है पॉजिटिव थिंग, तो उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में पड़ता है, और जब वो समय आता है तब वो चीज़ें नहीं होती, तो फिर वो गिरावट शुरू करता है। मैटर वही है, जिस दिन हम इस हालात को समझ जाएंगे। देखो सर, पैनी स्टॉक पैनी होता है, चाहे वो कितना गुना बढ़कर आपको रिटर्न दे, पर वो उसमें रिटर्न ले कौन रहा है, सबसे बड़ा वो सवाल। BCG फिर घूमकर पैनी स्टॉक की कैटेगरी में आया, और जब ये भाग रहा था सभी से मल्टीबैगर शेयर समझ रहे थे, पर जो मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर होते हैं वो अगर भागे और गिरे, उनकी ऊपर कोई उंगली उठाने वाला रहता नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये मेरा अध्ययन है कि हमें अच्छे अच्छे शेयरों में अपनी काबिलियत को अच्छा करना है, और उसके अंदर हमें जाना है। तो अब मत कहना कि सर आप बदल जाते हो, देखो सर जो नहीं हो जाएगी उस बेस पर बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव बताता जाऊँ, तो वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। तो ध्यान रखिए सर, बदलना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ से हमें बदलना है। देखो सर, अगर हमारे अंदर कुछ अलग अलग रणनीतियों वाली चीज़ें हैं जिससे हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो बिल्कुल भी ना बदलना। अगर आपको अपनी रणनीतियों पर काम करके प्रॉफिट आ रहा है, कमी आ रहा है, बिल्कुल ना बदलना, एक दिन ज़्यादा आ जाएगा। पर आप अलग अलग चीज़ें यूज कर रहे हो, फिर उसके साथ आप मार्केट में काम कर रहे हो, फिर आपको लॉस पे लॉस हो रहा है, फिर तो आपको बदलना पड़ेगा। तो हम तो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं सर, हमने तो कभी उस तरफ देखा ही नहीं जिस तरफ 1 के 20 और 200-300 गुना हो जाते हैं। हम देखते ही नहीं उसको, हमें सिर में दर्द करना ही नहीं। हमने तो अपने गुरु विजय गेडे साहब को मान रखा है, एक गुरु तो बहुत होना बहुत ज़रूरी है सर। तो बदलने वाली स्थिति को अपने द्वारा लाना पड़ेगा। देखो सर, एक NHPC शेयरों को मैंने फिर से क्यों अपने पोर्टफोलियो में दोबारे से ऐड करा है, मैं आपको फिर बता दूं कि जल विद्युत में सबसे बड़ी ये उत्पादक कंपनी हमारी है, जो दूसरों के लिए जल विद्युत में काम और अपने लिए भी जल विद्युत में बड़ा एक नाम है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेपाल के साथ साथ इंडिया में भी इसकी कई परियोजना चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इसकी सुबनसिरी और दिबांग है, जो चीन के बॉर्डर पे दिबांग की इनकी परियोजना है, जो बहुउद्देश्य परियोजना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके लिए भेल और पटेल इंजीनियरिंग भी उसकी उस योजना के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये अनूठा एक अपने आप में इसका वर्क है। कई लंबित इसकी परियोजना है जो शुरुआती होने के तौर पर हैं, और आगे जाकर नवीनीकरण ऊर्जा की अगर हम दिशा देख रहे हैं, तो एक स्रोत हमारा जल विद्युत से भी है, जो पानी से बिजली बनती है,
और उसके लिए एनएचपीसी कई कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर चुका है। कई सालों बाद ये शेयर बढ़ने की स्थितियों में आया है, पर अभी उस स्थिति में ये नहीं ऊपर की तरफ गया जिस स्थिति में इस शेयर को होना चाहिए, जिस स्थिति में ये कंपनी काम कर रही है। तो ये वो पत्थर है सर, पड़े पड़े ही कभी कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोगों को लगता है इस शेयर में कोई जान नहीं है। तो मैंने इसकी अभिलाषा आपको बता दी, कई प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं और आने वाली दिशा आपको पता है नवीनीकरण ऊर्जा पे है। तो उस उपलक्ष्य में NHPC को मैंने लिया है, और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये शेयर मैंने लिया है और मेरी रणनीति अलग है और आपकी अलग हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपके वो शेयर कौन से हैं 5। तो ये मैं वो बता दूं कि NHPC जो शेयर है बड़ा बेस्ट शेयर है, और आगे जाकर ये अपनी रणनीतियों पे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके आगे बढ़ेगा। और फिर बता रहा हूँ 2024 के चुनाव उस उपलक्ष्य में हमें अब ऐसे ऐसे मोती को चुनना है जो आगे जाकर हमें बहुत अच्छा करे, और थोड़े थोड़े शेयर लेने हैं सर, ज़्यादा शेयर हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो बाद में हमें थोड़ा सा गिरे और हमें बैक टेंशन में दे। तो जल विद्युत की अगर चीज़ों को हमें अपने नज़रों से बहुत अच्छा देखना है तो फिर वहाँ पर एक NHPC नाम जो लॉन्ग टर्म के लिए विशेषताओं के लिए ये एक अच्छी कंपनी NHPC है। देखो सर, सेल जो है कंपनी, जो स्टील की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो काफ़ी लोग कहते हैं सर ये शेयर भी कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में विकास हो रहे हैं, देश में स्टील की मांग बढ़ती जा रही है, तो हमारी सरकारी कंपनी सेल भी इसके अंदर बहुत अच्छा एक वैल्यूबल चीज़ देगी। इसके अंदर ज़्यादा समझना है ही नहीं, क्योंकि सितंबर 2022 में जिस कंपनी ने 329 करोड़ रुपए का लॉस दिया, और सितंबर 2023 में उसी कंपनी ने अपने लॉस को हटाकर प्रॉफिट दे देकर इस कंपनी ने सितंबर 2023 में इस क्वार्टर में इसने 1306 करोड़ रुपए की कर भुगतान के बाद प्रॉफिट दिया है। जिस कंपनी का पहले 329 करोड़ रुपए का लॉस सितंबर तिमाही 2022 में था, उसी कंपनी ने 1306 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया, और अपनी सेल को इसने करीब 29,712 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। तो यहाँ क्या देखने को मिला? तो सर, रेलवे में जो काम हो रहे हैं, अलग अलग जो सरकारी चीज़ों में काम हो रहे हैं, अलग अलग जगह काम हो रहे हैं, वहाँ पर स्टील का यूज हो रहा है, और विकास की रणनीतियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चली है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब इस कंपनी का इतना लॉस है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बढ़ बढ़ कर 1306 होना, यानी कि कंपनी की सेल और कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ और कंपनी के पास काम है, यही चीज़ तो देखी जाती है सर बैलेंस शीट में। 29 करोड़ को फिर और ज़्यादा लॉस कर देते तो फिर टेंशन सी आ जाती है हमें। तो इस उपलक्ष्य में इस शेयर को सिर्फ मैं आपको बता दूँ लिया है, मैं फिर बता रहा हूँ ये मैंने लिया है, आपको मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। दूसरा शेयर जो मैंने सर लिया है, मैं आपको बता दूं, गेल इंडिया। मैं आपको बता दूं सर, गैस वाली एक कंपनी है जो प्राकृतिक गैस LNG और अन्य गैस की चीज़ों में और पाइपलाइन में बढ़िया काम करती है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तरलतिया प्राकृतिक गैस LNG का संयंत्र जो अमेरिका में, उसके अंदर इसने 26% की अपनी हिस्सेदारी अर्जित कर ली है। ये एक मुख्य चीज़ है जो LNG में ये कंपनी पूर्णतया उतर रही है, और मैंने कहा था कि प्राकृतिक गैस के लिए IOC LNG के लिए वर्क कर रहे हैं, और दूसरा कर रहा है गेल। और जब ये देश की इस तरीके की गैस की कंपनी है, तो ये अलग तरीक़ों से अपनी प्राकृतिक गैस की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी। अब देखने को आपको अशोक लीलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने LNG युक्त एक ट्रक का निर्माण किया है, और अन्य कंपनी भी LNG से चलने वाली चीज़ों को काम पर ला रही है। तो देखने को ये मिल रहा है कि प्राकृतिक गैस की अगर हमारी उम्मीद बहुत आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है तो वो है गेल, और गेल कर रहा है LNG में काम। इतिहास रच दिया इस शेयर ने सर। देखो सर, ये शेयर मतलब इस कंपनी ने, गेल इंडिया ने इतिहास रच दिया। दुनिया का सबसे पहला काम इसने कर दिया है, जो शिप टू शिप इसने LNG को ट्रांसफ़र कर दिया है।
जो ये एलएनजी अमेरिका से लाते हैं, इसने जहाज से जहाज में उसे ट्रांसफर कर दिया। इससे इसने करा क्या है, एक तो जो वहां से इंडिया लाते हैं उसकी कॉस्ट बचा ली इसने, बीच में कर दिया इस काम को। दूसरा, दूरी भी कम कर दी। तीसरा, इसने घंटे बचा लिए। तो ऐसा काम जो आज तक किसी भी देश की कंपनी ने नहीं करा, वो काम हमारे गेल इंडिया ने कर दिया, जो एक गैस वाली कंपनी है, और वो है प्राकृतिक गैस पे काम किया है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एलएनजी अगर आपकी नजरों में बहुत बेहतरीन तरीके से है, तो गेल इंडिया एक उसके अंदर प्रमुख नाम हो सकता है। तो काफी काफी लोग मेरे से पूछते हैं, सर एलएनजी में कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आईओसी बड़ा बेस्ट काम एलएनजी के लिए कर रहा है। उसका प्राइस की तरफ देखने की इच्छा मत जाहिर करो, उसके काम की इच्छा देखने की जाहिर करो। एलएनजी में वर्क गेल के बारे में मैंने आपने बता दिया कि दुनिया का सबसे पहला काम इसने कर दिया, जो शिप टू शिप इसने ट्रांसफर कर दिया एलएनजी। ये छोटा काम नहीं, जिसके अंदर कई कई पैसों को इसने बचाया, दूरी को बचाया, घंटों को बचाया, और एक अनूठा प्रयोग इसने कर दिया है गेल ने। तो ये उपलक्ष्य के ऊपर भी इस शेयर को सर मैंने लिया है। दूसरा शेयर मेरा है सर, मैं आपको बता दूं जो मैंने लिया है, रेणुका सुगर। और मैंने आपको कहा था कि एथनॉल अगर हमें जच रहा है, एथनॉल अगर हमें अच्छा लग रहा है, तो फिर रेणुका सुगर वहां एक नाम आ जाना चाहिए, कि भारत की ये सबसे बड़ी एथनॉल का उत्पादक कंपनी है रेणुका सुगर। चीनी के साथ साथ बेस्ट वर्क करती है। तो अगर देखने को ये मिलता है कि रेणुका सुगर जो है, हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, भाई ये बढ़ नहीं रहा है, बेकार है। लेकिन अगर मनसा इसके कंपनी के अंदरूनी तौर पर जो बताई जाती है कि अपनी एथनॉल की क्षमता को बढ़ाएंगे, इसमें G20 में एथनॉल को ज़्यादा तवज्जो दी, तो जब फिर वो इंडिया में सबसे ज़्यादा एथनॉल पर वर्क कर रही है, तो क्या उसके सुनहरे अवसर आज या कल में आएंगे, या फिर आने वाले दिनों में जब इस तरीके से स्थितियों में काम होगा। तो एथनॉल की वजह से सिर्फ मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र जो है रेणुका सुगर पे पड़ी है, इसलिए मैंने इसके शेयर को फिर से थोड़े से ऐड किए हैं। देखो सर, मैं ये नहीं देखता कि जो मैंने शेयर लिए वो लॉस में चले गए, मैंने काम देख लिया है, और काम इनका अगर आगे जाके विफल हुआ तो हमारे पैसे सारे गए, मैं ये भी सोचता हूँ। मैं तो काम पर दाव लगा रहा हूँ सर, मैंने तो किसी और रणनीति पर दाव लगाया ही नहीं आज तक। और अगर किसी का काम फेल तो फिर कंपनी फेल। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारे लिए, काम। और जिसके पास काम नहीं होगा उसके पास पैसा नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि अपने विचारों पर काम करो सर, हर एक कंपनी का वजूद काम का है। कल को ट्राइडेंट जीरो सेल कर दे, कंपनी बंद। कल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉस पे लॉस कर दे, उस पे उंगलियां उठ जाएंगी। तो जितना अच्छा काम हम करेंगे उतना अच्छी रणनीति बनेगी। तो इसलिए काम को देखकर रेणुका सुगर की तरफ नजरें हमारी गई है। बात करते हैं पांचवे शेयर की, और पांचवा शेयर है अडानी की तरफ से, अडानी ग्रीन। और जब मैंने लोगों को बताया कि अडानी ग्रीन को मैंने फिर से लिया, तो काफ़ी मेरे ऊपर मतलब काफ़ी मेरे पास कॉल आई, सर ये तो सर टेंशन में शेयर है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अडानी ग्रीन एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहा है नवीनीकरण ऊर्जा का, जो सोलर और पवन से है, हाइब्रिड में भी है। महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिलती है कि शेयर जब अपनी स्थिति में एक अनुसार चल रहा था, तो हिंडनबर्ग की न्यूज के अनुसार ही शेयर गिरा है। 20 जनवरी 2023 को जब एक न्यूज़ निकल कर आई जिसके अंदर हिंडनबर्ग की चीज़ें लगी हुई थी, तो शेयर उस टाइम 1900 रुपये करीब चल रहा था, ऊपर नीचे हो सकता है। झटके से 3 महीने के अंदर ये शेयर 490-486 रुपये करीब आया। 1900 वाला शेयर 486-490 आया, और अब ये टहलकर 900 रुपये करीब का मिल रहा है। हमारी प्रतिक्रिया भी इसी दौरान इसी शेयर में बनी है, मैं आपको बता दूँ। देखो सर, क्या मतलब होता है किसी शेयर को लेने का, उससे ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि किन किन कंपनियों ने इनके ऊपर अपने दाव को लगाया है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि GQG जो है इनके ग्रुप में अपने को क्यों इतना बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अगर अडानी ग्रीन बेकार होता, तो फिर टोटल एनर्जी जो है फ्रांस की, उसने क्यों इसके साथ संयुक्त में काम किया है। तीसरा, अगर इनको बर्बादी होना होता, तो फिर इनको इतनी सारी परियोजना इनकी हर एक कंपनियों को और अडानी ग्रुप को मिलती क्यों जा रही है। अगर इनके ऊपर इतना खतरनाक चीजें होने वाली है, तो फिर 24 नवंबर को जो इनका एक रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले क्यों बड़े बड़े निवेशक इनकी कंपनी में अपने उजाले देख रहे हैं।
देखने को तो अब सिर्फ ये 24 नवंबर वाली चीज है। देखो सर, जो शेयर इडनबर्ग की रिपोर्ट से 1900 से 490 तक आ सकता है, वो शेयर अगर कोर्ट से कुछ पॉजिटिव संकेत आ जाए तो इसको तो सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए ना ऊपर जाने के लिए। हम कर रहे हैं लाखों में इन्वेस्ट, लोग कर रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट इनकी कंपनी में। मैं काम समझा रहा हूँ इनके, जो इनके काम है आपको पता है। देखो सर, अभी अडानी ने भी इतिहास रच दिया, इनकी एक कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने सर 12 नवंबर को इतिहास रच दिया, जिसने नवीनीकरण पोर्टफोलियो से 4 घंटे तक 100% बिजली दी है। यानी कि सौर और पवन से इन अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने शहर को 100% शुद्ध बिजली दी है, जो 4 घंटे तक कंटिन्यू रही है। ये अपने आप में अडानी जी ने इतिहास रच दिया। और जब यहाँ एक चीज आएगी सोलर और पवन से, और इन दोनों के सहयोग से ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट इनने की है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? नवीनीकरण ऊर्जा। और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए अडानी का कौन सा शेयर सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है? अडानी ग्रीन कर रहा है सर। देखो सर, देश में जितने भी सोलर के मॉड्यूल्स बनेंगे, पैनल बनेंगे, वो सारे के सारे इंडिया वालों को तवज्जो देने के लिए सरकार उसके अंदर रणनीति बना रही है। ये चीजें मैंने आपको पहले बताती थी। और अडानी ग्रीन जो है सोलर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए बहुत बेस्ट वर्क कर रहा है। इसने घोषणा की थी कि $3 अरब ये अपनी 4 गीगावाट की जो क्षमता सोलर मॉड्यूल्स में है इसकी बनाने के लिए, उसे ये 10 गीगावाट की 5 से 7 साल में ये अपनी क्षमता को 4 गीगावाट से 10 गीगावाट में कर देगा। तो किस में कर रहा है? ये सोलर में कर रहा है। और सोलर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपको खुद ब खुद पता लगेगा, जिसकी वजह से इसने सोलर और विंड से 100% 4 घंटे तक शहर को मुंबई में बिजली दी है। तो जब हमें हमारी अंदर की इंद्रिया जागेगी कि ग्रीन एनर्जी कितनी वैल्यूबल चीज है, और उसके अंदर अडानी जी की ये चीजें, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि एक बार 24 नवंबर से या उसके बाद जो डेट लग सकती है आगे की भी, क्लियर चीज होने दो सर। मैं आपको बता दूं, अडानी जो ग्रुप है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, और मुझे लगता है ये अभी जो भी चीजें होंगी आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। तो काम देखना है सर हमें, जब तक कि हम काम को नहीं समझेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विंड टर्बाइन जो इंडिया में सबसे बड़ी है, किसकी है सर? अडानी जी की है, अडानी ग्रीन की। और किसकी सहायता से इन्होंने बनाई? जर्मनी की कंपनी के सहायता से बनाई है। तो जब इतनी सारी चीजें अडानी ग्रीन में हो रही हैं, बड़े बड़े निवेशक विश्वास कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट इनको मिलते जा रहे हैं, सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग रणनीतियां ये अपनी चीजों के अनुसार बता रहे हैं, मुंबई में 4 घंटे तक इन्होंने 12 नवंबर को इतिहास रच दिया बिजली देकर, वो भी नवीनीकरण ऊर्जा से, तो महत्वपूर्ण चीज हमें अडानी ग्रीन में देख लेनी चाहिए। तो इस वजह से इस शेयर को लिया है, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये शेयर सर मैंने लिया। अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर की। देखो सर, विकास लाइफ केयर में आपको बता दूं, प्लास्टिक हो गया, प्राकृतिक रबर हो गया, FMCG हो गया, काजू का प्रसंस्करण हो गया, इनके द्वारा ये वर्क कर रहा है, और कई सेक्टर में ये वर्क करता है, लेकिन इसका शेयर बढ़ता नहीं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनकी एक दूसरी कंपनी है जो इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी समझ लो, जिनके अंदर इनका 95% तक का स्टेक है, जिस कंपनी का नाम है जेसस गैस सॉल्यूशन कंपनी। क्या वो कंपनी वर्क करती है? वो स्मार्ट मीटर, गैस मीटर बनाने में अच्छा वर्क करती है, और कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको ऑर्डर भी दिया है, जहां इससे पहले मैंने आपको बताया था अडानी और IOC ने भी उसके साथ कुछ वर्क किया है, उससे पहले भी इसने कुछ स्मार्ट मीटर अलग अलग बड़ी कंपनियों के लिए बनाए हैं। और अब देखने को एक न्यूज़ बीते दिनों मुझे जो देखने को मिली, जिसके अंदर विकास लाइफ केयर को गुजरात गैस ने 40,000 स्मार्ट गैस मीटर बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इसकी सहायक कंपनी को सर, इसकी सहयोगी कंपनी जिसके अंदर 95% इनका वजूद है। देखो सर, कंपनी ये जो विकास लाइफ केयर है, एक तो अपने द्वारा और अपनी दूसरी कंपनी के द्वारा मजबूत है, लेकिन सबकी नजर इस छोटे से पेनी स्टॉक के ऊपर है। तो कई सालों से जब हम इस तरीके के पेनी स्टॉक पर अपना दिमाग लगा देते हैं जो सब कुछ अच्छा है, तो फिर हम एक काम क्यों नहीं करते?
कि जितने हमें शेयर लेने हैं अपनी क्षमता के अनुसार लेके छोड़ दो और फिर बड़े बड़े शेयरों की तरफ देखो। ये एक सलूशन है सर इन चीजों का, नहीं तो कई लाखों करोड़ों शेयर हम इसके ले लें तो हम तो फंसे रह जाएंगे सर। काम अच्छा लग रहा है हमें, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर शेयर नहीं बढ़ रहा है, तो बदलना पड़ेगा सर। देखो सर, जिनके पास दूसरा डीमैट अकाउंट है ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लिंक से मेरे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का आप खुलवा सकते हैं और उसके अंदर जो आपको शेयर अच्छे लगते हैं उनको दूर की स्थितियों के अनुसार देखें। हम सिस्टम से अगर काम करें शेयर मार्केट में, गुमराह मत होएं, बड़ी बड़ी बातें जो करता हो लोग उसकी तरफ ना देखें, बड़े बड़े पोर्टफोलियो की तरफ ना देखें, बड़े बड़े जो सूत्र बता रहे हैं उसकी तरफ हम ना देखें। सिर्फ अपनी एनालाइज, आपके द्वारा आपको कोई जिता नहीं सकता, मैं इतनी सी एक बात बताऊं, जिता ही नहीं सकता कोई, आपको दूसरा राह दिखा सकता है, चलने की स्थितियां सिर्फ आपकी होगी। बच्चा जब चलता नहीं तो माँ बाप उसे गोद में ले लेके घूमते हैं, जिस दिन वो चलने लग गया उंगली पकड़ पकड़ के माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और वो भी माँ बाप का सहारा लेता है, किसी का सहारा लेके चलता है, वो चलता है। जब वो चलने लग गया, परफेक्ट हो गया, वो किसी का सहारा नहीं लेता फिर। तो हमें तो बच्चे से सीखना है कि बच्चा किसी का सहारा ही नहीं ले रहा है, वो अपनी एनालाइज कर सर, अध्ययन में लगा दो, क्यों हमें किसी के साथ बैठना है, हमें एक ग्रुप देखना है, उसकी एनालाइज करनी है और अपनी ज्ञान इंद्रिय को बढ़ाना है। साइकोलॉजी का गेम है सब, और जिस दिन साइकोलॉजी के गेम को आप समझे सब कुछ अच्छा होगा। तो विकास लाइफ केयर, हाँ रखने वाला शेयर है सर ये, जिस तरीके से इसकी सहायक कंपनी भाई ऑर्डर पे ऑर्डर ले रही है, समझने वाली बात है ये। विकास लाइफ केयर को सर गुजरात गैस से 49.5 करोड़ रुपए करीब का स्मार्ट मीटर का 40,000 स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिल चुका है, जो अपने आप में एक अच्छी चीज है। दूसरी तरफ अगर आपको देखना है कि जो जो शेयर मैंने अभी 10 लिए, वैसे मेरे पे और भी शेयर हैं लेकिन मैंने 10 अब की रणनीति इसलिए बताई कि ये 3-4 दिन की चीज़ें हैं, और ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम किस वजह से किस शेयर को ले रहे हैं, तो परफेक्ट रणनीति आपकी बन रही है। मैं कह रहा हूँ मत उलझो किसी शेयर के भागने और गिरने से, बिल्कुल ना उलझो, शांत रहिए, अपना दूसरा काम भी करिए, क्योंकि दूसरा काम आपको निरंतर बिना लॉस के पैसे देता है, ये वाला काम आपको लॉस भी दे सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है, यहाँ डबल डबल चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले काम से पैसा निकालिए, कुछ पैसे को अपने काम पर लगाइए, कुछ को बचाइए, और कुछ को बचा कर थोड़ा सा मार्केट में लगाइए, क्योंकि जब तक कि हम लगाएंगे नहीं जब तक कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ। और किसी को भी शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, जो मैंने शेयर लिए आज मैंने आपको पहली बार बता दिया है, अब दोबारा मैं शायद इस तरह की चीज़ें नहीं बताऊँगा, कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि सर जो मैं शेयर लो फिर आप भी वही शेयर ले लो। मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि रणनीति को समझना है, शेयर तो कोई भी ले सकता है, कभी भी चल रहे हैं। तो सर अडानी ग्रीन मेरी वजूद से अच्छा निखर रहा है, बस 24 नवंबर का हमें वेट करना पड़ेगा। गेल इंडिया अच्छा काम, सेल भी अच्छा काम कर रहा है, NHPC कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो उसको बहुत अच्छा करेंगी, रेणुका सुगर एथेनॉल पर अच्छा वर्क कर रहा है और आगे भी करेगा, तो वो उपलक्ष्य में देखना है। विकास लाइफ केयर की सहायक कंपनी जेनेसिस गैस को जो मिल गया है ऑर्डर, उसमें 4 चांद आगे जाकर लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते, पर हमारा लंबे विषय विकास लाइफ केयर का होगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में हमें आना नहीं है, अपनी एनालिसिस को सबसे आगे कीजिए, किसी की भी बातों में गुमराह नहीं होना है, अपने द्वारा खुद को मजबूत कीजिए, दूसरा आपको कभी भी ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाएगा, और पैसे कमाने के तरीके अपने माइंड से बनाइए, किसी के सूत्र पर कभी मत काम करना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।